कुदरत ने कुछ ऐसे अनोखे जीवों की संरचना की है जिसे देख के आप जरूर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे जीवों को देखने के लिए नसीब की जरूरत होती है। आप लोग कैमल यानी ऊंट के बारे में तो जरूर जानते होंगे और कईयों ने तो सवारी भी की होगी। आप लोगों ने जो कैमल देखा होगा उसका एक ही हम यानी कूबर रहता है। कॉज यही सबसे ज्यादा कॉमन और ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली ऊंट की प्रजाति है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऊंट की एक नायाब स्पीशीज के बारे में जानने वाले हैं, जिसका एक नहीं दो दो कूबड़ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अनोखी दिखती है। इस अनोखे कैमल स्पीशीज को बैक्ट्रियन कैमल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस प्रजाति के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। बैक्ट्रियन कैमल मंगोलियन कैमल के नाम से भी जानी जाती है। नाम से तो पता चल ही गया होगा कि ये प्रजाति मंगोलिया में पाई जाती है। इसके अलावा भी ये स्पीसीज उत्तर पश्चिम चाइना के गोबी डेजर्ट में भी पाई जाती है। बैक्ट्रियन कैमल का बॉडी लेंथ 7.5 से 11.5 फीट तक होती है और इनका वजन 300 से 1000 केजी तक होता है। ये डोमेस्टिक एनिमल में से है। इनकी पूरी बॉडी घने रोम से ढकी होती है। ये रोम मवेशी विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके इन रोम से सर्दी की पोशाक भी बनाई जाती है। ये हर तरीके का मौसम झेल सकते हैं। नॉर्मली ये रूखे सूखे पथरीले इलाकों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये प्रजाति 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री का तापमान भी झेल सकते हैं। इसीलिए इनको विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इनको प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किया जाता है। और तो और, भारत में इंडियन आर्मी इनको लद्दाख के ऐसे क्षेत्रों में जहां इंसान नहीं जा सकते वहां पेट्रोलिंग के काम के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बैक्ट्रियन कैमल्स बिना पानी के 72 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, पर जब पानी मौजूद रहता है तो ये एक ही बाड़ी में 57 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकते हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक में मैं आपको एक अनोखी बात बताने वाली हूँ। हम लोग नॉर्मली जानते हैं और स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि ऊंट अपने कूबड़ में पानी स्टोर करके रखते हैं और जब पानी की कमी रहती है तो यही स्टोर किया हुआ पानी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। बट दोस्तों, ये एक मिथ है। जी हाँ, ये गलत धारणा है। एक कुबड़ वाला ऊंट हो या दो कुबड़ वाला, ये अपने कुबड़ में कोई पानी स्टोर नहीं करते हैं। इस कुबड़ में बस फैट यानी चर्बी जमी रहती है। जब जब इनको अच्छी मात्रा में खाना मिलता है इनका कुबड़ अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, और जब खान की कमी होती है तो ये कुबड़ सिकुड़ जाता है। है ना ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। बैक्ट्रियन कैमल बहुत अच्छे तैराक होते हैं। ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं, बट ये बहुत रेयर ही इतने स्पीड से भागते हैं। ये ऊंट नॉर्मली शाकाहारी जीव में से है, पर खाने की जब कमी रहती है
तो ये कुछ भी खा सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी, हड्डी चमड़ी और मांस से लेकर रस्सी तंबू और चप्पल तक ये चबा जाती है। मेटिंग सीजन के दौरान नर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और मादाओं को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। मेटिंग के बाद मादाएं नॉर्मली एक से लेकर दो तक बच्चे जन्म देती है, बहुत रेयरली दो बच्चों को जन्म देती है। पैदा होने के कुछ समय बाद ही ये बच्चे दौड़ने लगते हैं। बैक्ट्रियन कैमल्स की कुछ ऐसे खास खूबियां हैं जो इनको अलग बनाती है। नंबर वन, ये इकलौती ऐसे लैट मैमल है जो आसानी से बिना किसी मुश्किल के समुद्र का नमकीन पानी पी सकता है। नंबर टू, इनके नाक के अंदर ऐसा पर्दा होता है जो हवा के साथ आने वाले सैंड को छान देती है। नंबर थ्री, इनके ऊपर बैठना आसान होता है। मतलब आप खुद ही सोचिए, एक कुबड़ वाला उठ के ऊपर बैठना, मतलब किसी भी तरफ आप लुढ़क सकते हैं, लेकिन दो कुबड़ वाले उठ के बीच में जो स्पेस होती है वहां बैठना ज्यादा इजी नहीं लगता कि आप प्रोटेक्शन रहता है, ना सामने लुढ़केंगे ना पीछे लुढ़केंगे। एनीवे, ये मेरी खुरफाती दिमाग है बाय द वे, ये फैक्ट, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ ऐसे ही सोचता है, दैट्स व्हाई। एंड हमेशा जब मैं बैक्ट्रियन कैमल्स को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है, क्योंकि मैंने खुद भी ऊँट की सवारी की है एंड मुझे मतलब दो कुंवर वाली ऊँट ज़्यादा सेफ्टी लगती है बैठने के लिए, दैट्स व्हाई। ओके, टू मच बैड जोक। एनीवे, इस वीडियो के साथ अब तक टिके रहने के लिए धन्यवाद। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।